भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल फोर फादर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नेता बीजेपी को उनको पढ़ना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर उनका एक कोटेशन है कि जब सत्ता बहरी हो जाए तो सत्ता के कान पे जाके घंटी बजानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है। तो अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्ता के कान पे घंटी बजाते वक्त गलत नहीं थे तो फिर सत्ता को जगाने के लिए सभापति के कान पर घंटी बजाते वक्त संजय सिंह कहाँ से गलत हो गए भाई? हाँ। या तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गलत है। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ बच्चे लाए मोदी 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 मोदी, बस मोदी मोदी करने देश नहीं चलता। हाँ। लिख के आया करिए, नहीं तो यहाँ से एक्सपोज करके भेजूंगा और ऐसा एक्सपोज करूंगा ना कि दोबारा बोली नहीं फूटेगी। और ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय और नेता बीजेपी दोनों पढ़िए। हाँ। पढ़ लिख के आया कीजिए, बस केवल एनालिस्ट लिख लेने से और सत्ता की दलाली करने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। और आपसे ज्यादा डिग्रियां हैं मेरे पास। एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा, कुछ लबोलबाव समझ में आया सर? हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आया। क्या समझ में आया मुझे भी समझाइए। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमारे एक मित्र थे जो अभी बोल रहे थे कि नाम में क्या रखा है, जरा चावला जी बता दीजिए किस पार्टी के प्रवक्ता है वो? कांग्रेस पार्टी। चावला जी जरा बता दीजिए किस पार्टी के प्रवक्ता है जो बोल रहे थे कि नाम में क्या रखा है? कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है उनका नाम मैं बाबर रखता हूँ, डिबेट में मैं बाबर ही बुलाऊंगा उनको, बाबर महोदय, बाबर जनाब। हाँ अब देखिए इन्होंने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है। अरे सुन लीजिए सर, फिर चावला जी इनको शांत करिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप एक के मिश्रा जी किसी का नामकरण मत करिए सर, है ना? नाम में क्या रखा? नहीं तो आप, आपको नामकरण करने की क्या जरूरत है? मिश्रा जी यही सारी पंडिताई दिखाओगे क्या? मेरे भाई नाम बदलने से यही होता है। नहीं तो नाम बदलने से तो आपको क्या जरूरत है किसी का नाम बदलने की? मिश्रा जी आप अपने मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए प्लीज। मिश्रा जी मुद्दे पर रहिए ना, क्यों पंडिताई दिखा रहे हो यहाँ पर आप अपनी कि मैं नाम रखूंगा बच्चे का? रखेंगे जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, हम उनको बाबर नहीं बोलेंगे। मैं ये बोल रहा था उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी थी कि अगर सत्ता न सुने तो घंटी बजाइए। अरे बात सही है भाई साहब, घंटी बजाइए तो सही है, लेकिन झुंझुनू बजाने से क्या मिलेगा? घंटी भी तो नहीं बजा रहे, झुंझुनू बजा रहे हैं। झुंझुनू बजाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला था, मुझे घंटी ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सनातन का इनको भ्रम है। सर सर पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं। रत्नेश मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, आप दोनों मिश्रा जी हैं सर, प्लीज क्यों इस तरह से पर्सनल मत होइए सर। घंटी बजाइए स्वागत है, झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, 2014 से पहले जो विपक्ष, रितनेश मिश्रा जी या तो आप बोल लीजिए, सवाल पूछूं ना ही पूछूं। रितनेश जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, एके मिश्रा जी पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, पहली बात। और दूसरी बात ये कि 2014 से पहले विपक्ष क्या करता था? मैं बता रहा हूँ, विपक्ष ने 2014 से पहले या बीजेपी की जब सरकार बनी थी तो इन्होंने मंदिरों में जाके घंटियां बजाई है। मैं दावे से बोलता हूँ मंदिरों की यात्राएं की, रथ मंदिर किया, वही तो मैं रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस के मित्र को बोल रहा हूँ, घंटी बजाइए तो कल्याण होगा। जिन्होंने घंटी बजाई उनका कल्याण हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। सदन में 2014 से पहले हंगामा नहीं होता था? नहीं नहीं, मैं घंटी बजाने, नहीं नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले हंगामा नहीं होता था? मित्र के कांग्रेस 2014 से पहले संसद चलती थी, आप मुझे ये कह रहे हो आराम से? क्योंकि सरकार बदल गई, उनके जो प्रयोजन थे वो सिद्ध हो गए। ठीक, ओके, उन्होंने घंटी बजा करके चुनाव जीत लिया। ओके, अभी एक महत्वपूर्ण विषय पर आऊंगा मैं जल्दी से। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल, प्रधानमंत्री बोलेंगे बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हो अब आ चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं अभी बोलो, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हंगामा क्यों हो रहा है, जरा समझाओ मुझे आप। चावला जी, हंगामा क्यों है बरपा? मैं कभी छत पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन चिल्ला रहा है, कौन पक्षी, तो कौवे जो होते हैं बिना मतलब के काँव काँव करते रहते हैं। कभी जंगल वगैरह में गुजरता हूँ तो जो सबसे नालायक सियार या भेड़िए होते हैं वो झुंड में हुआ 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 करते रहते हैं।
जिसको काम होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो शेर एक बारी दहाड़ता है भाई, चोर मचाए शोर। ये विपक्ष में है, इनकी सरकार नहीं है, इनके ऊपर कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब छुट्टा साण है। तो इसलिए हुआ हुआ शोर मचाना यही चीज है। ये दिल्ली को दोनों तरफ से इन्होंने एक साल घेर करके रखा था, पूरे सड़क पे हंगामा मचाया। इनका काम ही है हंगामा मचाना चावला जी, न कि तर्कपूर्ण तरीके से किसी मुद्दे पे बात करना ताकि उसका एक बेहतर सलूशन निकल पाए। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। रही बात प्रधानमंत्री की बोलने की, अरे प्रधानमंत्री के पास इतने काम होते हैं, अब हर चीज के लिए आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री आके बोले। मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सारे लोग मिल करके इस देश को चलाते हैं, तो हंगामा क्यों है बरपा, ये इसका जवाब मिल गया है। जिनके पास कोई काम नहीं होता है, आप इस प्रकृति में देख लीजिए कि झुंड बना के हंगामा कौन करता है गली मोहल्लों में। यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष है मणिपुर पर मौन रहे। नहीं नहीं, विपक्ष मणिपुर पे मौन नहीं रहे, मैंने एक चीज बोली है कि तार्किक बहस करे, मैंने ये नहीं बोला है। लेकिन केवल ये बोलना कि भाई प्रधानमंत्री जी आकर के जवाब दे, ये लोग तो खाली बैठे हुए हैं, तो इनका काम ही यही है कि एक तो आपको तर्कपूर्ण बहस, फैक्ट निकालना है, फैक्ट बताना है, तो आप सदन में बहस करिए। सदन की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए एक सिस्टम है, एक सभापति होते हैं, स्पीकर होते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब दिया जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं, सामने पूछवा देता हूँ, वो मिश्रा जी वो ये कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए। माफी मुझे नहीं मांगना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे मित्र को फिर से प्राइमरी स्कूल जाना चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि शेर शब्द का विशेषण के रूप में किसको किस लिए प्रयोग। महाराणा प्रताप शेर थे भारत के, ये स्कूल गए हैं जरा इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने विशेषण वगैरह कुछ पढ़ा है। तिलक जी, अब मैं जवाब दूं? वो कह रहे माफी नहीं मांगूंगा। मिश्रा जी एक मिनट, एक रितेश मिश्रा जी। तिलक जी, मैं विद्यालय नहीं गया, इसीलिए मेरे पास एमए पॉलिटिकल साइंस की वैलिड डिग्री है। मैं विद्यालय नहीं गया, इसीलिए मेरे पास लॉ की डिग्री है। मैं विद्यालय नहीं गया, इसीलिए मेरे पास एमए बीएससी मैथमेटिक्स। आपकी डिग्री के ऊपर सवाल नहीं है। अरे सर भाई, तो अरे सर, विद्यालय जाने के बाद इतनी डिग्री, विद्यालय तो अगर मैं विद्यालय नहीं गया तो इतनी डिग्रियां कहां से आएंगी। दूसरी बात, सत्ता की दलाली करना अलग बात होती है, और सही शब्दों का चयन करके सही तथ्यों को रखना वो अलग बात होती है। दूसरी बात, आपने कहा मुझे बताइए तो कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बताइए, जाइए आप योगी आदित्यनाथ को समझाइए, हैदराबाद का नाम अयोध्या करने से कोई बदलाव नहीं होगा। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय करने से कोई बदलाव नहीं होगा। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से बदलाव नहीं हो रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रही रितेश जी आपने। एक काम करिए, आप अपना नाम क्या रखेंगे बताइए? बाबर रखेंगे अपना नाम? रख दो आपका नाम बाबर। भाई बाबर का नाम क्यों रखूं? मिश्रा जी, आप कहाँ बाबर आ गए? एक मिनट रुकिए ना, ये एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी एक मिनट, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, यही दिक्कत है हर मामले में, सारे तर्क इनके पास है। एक मिनट।